पंचकुला हिंसा और आपराधिक साजिश रचने की मुख्य आरोपी और राम रहीम की खास राजदार हनीप्रीत इंसान को आज मामले की सुनवाई के लिए पंचकुला कोर्ट लाया गया। इससे पहले 7 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान हनीप्रीत को चार्जशीट सौंपा गया था। चार्जशीट में हनीप्रीत पर देशद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए गए हैं। इस चार्जशीट को पुलिस ने दिसंबर की शुरुआत में कोर्ट में पेश किया था। चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों ने राम रहीम को छुड़वाने की साजिश रची और हिंसा किया। इसमें 37 लोगों की मौत और 200 घायल हो गए। इस मामले में सुरेंद्र धीमान, गुरमीत, शरणजीत कौर, दिलावर सिंह, गोमविद, प्रदीप कुमार, गुरमीत कुमार, दान सिंह, सुखदीप कौर, सीपी अरोड़ा, खरेती लाल के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया है कि हनीप्रीत ने पूछताछ के दौरान उस पर लगे सभी आरोपों को कबूल कर लिया है। इसके अलावा पुलिस को हनीप्रीत से मोबाइल, लैपटॉप, डायरी और कई अहम दस्तावेज मिले हैं। उधर राम रहीम के वकीलों ने जब उसे हनीप्रीत की चार्जशीट वाली बात बताई तो वह जेल के अंदर ही परेशान हो गया। सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट में कुल 67 गवाह हैं, जिनमें से ज्यादातर पुलिस के लोग हैं। उसके और दूसरे आरोपियों के खिलाफ पंचकुला के सेक्टर 5 पुलिस थाने में 27 और 28 अगस्त को आईपीसी की धाराओं 121, 121 ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।